संयुक्त अरब अमीरात में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस के दो विमान गुरुवार को केरल से रवाना हो गए हैं। कोविड-19 के वजह से लागू बंद के चलते ये लोग खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं। इन विमानों में अबू धाबी, दुबई से 340 यात्री कोझिकोड़ पहुंचेंगे। इन यात्रियों में गर्भवती महिलाएं, नवजात बच्चे और चिकित्सा आपातकाल स्थिति वाले लोग मौजूद हैं। आधिकारिक सूत्रों को बताया गया है कि भारतीय नागरिकों को अबू धाबी से लाने के लिए पहला विमान कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हो चुका है। विमान अबू धाबी से शाम 4:15 पर वहां से यात्रियों को लेकर उड़ान भरेगा। रात 9:40 पर गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। वहीं दुबई से शाम 5 कोझिकोड़ के लिए दूसरा रवाना होगा और 10:40 पर गंतव्य स्थान पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त नौसेना के 3 जहाज भी फंसे हुए नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात भेजे गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव टीम जॉन्स ने कहा कि सिर्फ कोविड-19 के नेगेटिव लोगों को विमान में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। उनके वापस लौटने के बाद भी गर्भवती महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों को छोड़कर अन्य सभी 7 तक संस्थानों में पृथकवास में रहेंगे, यानी क्वारंटीन किए जाएंगे। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से कहा कि पृथकवास यानी क्वारंटीन केंद्रों में होटल भी शामिल है। पृथकवास में रखे गए लोगों की जांच 7 तक की जाएगी और निगेटिव पाए जाने के बाद उन्हें घर पर भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने गृह मंत्रालय को सारी चीजें स्पष्ट कर दी है। गृह मंत्रालय ने 14 पृथकवास अवधि समय दी है। जो लोग कोविड-19 निगेटिव पाए जाएंगे उन्हें ही विमान में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहले चरण की प्रक्रिया में 8 विमान, 60 पायलट और 120 चालक दल के सदस्य शामिल हैं।